सो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो द लॉग वीडियो। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेरा डेयरी फार्म का पूरा, जो भी हमारे पास भैंसे हैं, काऊ हैं, एनिमल्स है, उनका पूरा टूर व्यू। तो गाइस देख सकते हो, पहले हमारे पास रॉटवीलर पपी है। देखो गाइस, ये है जो पपी, इसका नाम है रॉकी। रॉकी गाइस हमने 1.5 महीने पहले लिया था। चलो गाइस आपको मैं दिखाता हूँ भैंस दिखाता हूँ गाइस। और गाइस चलो पहले भैंस देख कर आएंगे, फिर बाद में आपको मैं इनका पानी पीने का सोदा सिस्टम जो भी है हमारे पास सब चीज़ दिखाऊंगा। ये है गाइस हरियाणा की झोटी की बेटी, जो कि गाइस हमने ये उसकी माँ है, उसको हम लाए थे 1.5 लाख रुपए में हरियाणा से। हरियाणा हम गाइस मुकेश बेनीवाल है उनसे के पास से हम इनको लेकर आए थे, जो कि गाइस पूरी 1.5 लाख में हमें पड़ी है। और ये गाइस हमारे पास छोटी काऊ, जो गाइस 2 महीने बाद बच्चा देने वाली है। तो गाइस देखो कितनी अच्छी लग रही, क्यूट गाय है भाई साहब, बहुत ही सीधी गाय है। मतलब देखो अभी इसका थन दिख रहा ना, ऐसे कर लिया मैंने। देखो भाई साहब दूध देने वाली गाय है, हमने इसे भी 25,000 में लेकर आए थे। और ये जो गाइस मतलब इतनी दिखने में इतनी अच्छी नहीं है, बट काऊ है हमारे पास ये भी। इसे गाइस हम शायपुर राजस्थान से लाए थे, जो कि गाइस पूरे 1 लाख रुपये की, क्योंकि इसके नीचे 10 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध है। और गाइस इसका बच्चा दिखा देता हूँ आपको, लवा रेट देख सकते हो गाइस, ये इसका बच्चा है। और ये गाइस इसका नाम है हमारे का सुदामा, बहुत ही सीधा बच्चा बेटा इसके लिए, इसका नाम सुदामा देख। और गाइस हम इसे कल सो ये है गाइस हमारी दूसरी बफेलो, जो कि गाइस बहुत ही महंगी है। इसे हमारे पापा लेकर आए थे पूरे 1.5 लाख रुपए में, क्योंकि इसके नीचे 15 लीटर दूध। सो ये है गाइस उसका पड़ा, जिसको हम लेकर आए थे पापा हमारे। ये गाइस पड़ा, इसका नाम है मारुति, जो गाइस दिखने में बहुत ही क्यूट है। और इसकी रनिंग की वीडियो मैं आपको जल्दी डालूंगा यूट्यूब पर। ये बिल्कुल 15 लीटर दे रही है, क्रूप प्योर। इसके लिए गाइस दुआ कर रखा है हमने। और आपको मैं दिखाने वाला हूँ हमारी सबसे महंगी काऊ, तो कि गाइस हमने ली थी कितने में, 95,000 रुपीज करंट। ये देख सकते हो गाइस ये परसों के दिन भी आ जाएगी। और इसका बच्ची की वीडियो मैं आपको जल्दी डालूंगा यूट्यूब पर। ओ गाइस चलो अब इसका पानी पिलाने का सिस्टम भी दिखाते हैं आप। टीडी कर हाँ। सो ये गाइस मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ हमारा बाथटब, जिसमें हम नहाते थे पहले, और अभी गाइस इसमें खाली पड़ा है। सो ये है गाइस भैंसों का बाथटब, मतलब भैंसों को पानी पिलाने का सोदा। और वो रहा गाइस हमारा कछुआ, ये देख सकते हो भाई, ये रहा कछुआ। सो गाइस चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।